इसे मैं दो तरीका से बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं फ़िलहाल एक ही तरीका बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं सेकेंड मेथड यानी कि दूसरा तरीका भी बताऊं, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर कम से कम 8 विद्यार्थी का यानी कि 8 स्टूडेंट्स का अगर कमेंट आ जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। समझे बात को? यानी कि कम से कम 8 स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए, अलग अलग स्टूडेंट का। यानी कि एक ही स्टूडेंट कमेंट कर देगा 8 को, ऐसा नहीं, ठीक है? अलग अलग स्टूडेंट का कमेंट आएगा, हाँ यार सर इसका सेकेंड मेथड भी हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं इसका सेकेंड मेथड बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में एक ही तरीका मैं बताऊँगा, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे सोल्यूशन यानी कि हल, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करें, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस को हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं, ठीक है? व्यंजक। अब व्यंजक क्या होता है? इसका पूरा नाम एक्सप्रेशन है ना, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, यानी कि बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट मीन्स अल्जेब्रा। तो वो क्या होता है कि मतलब मिक्सअप होता है एक तरीके से। क्या क्या चीज़ का मिक्सअप होता है, देखिए, जब मैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूँ, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो यानी कि तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा अल्जेब्रा, ठीक? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक, हिंदी में व्यंजक तो लिखे दिए हैं, अल्जेब्रिक का होता है बीजीय। तीन चीज़ों से मिलकर बनता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका व्यंजक फिर से लिख देता हूँ, ठीक? देखिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये सब रहना चाहिए। दैट मीन्स मतलब मैथमेटिकल साइन रहना चाहिए, ठीक है? साइन रहना चाहिए, चिन्ह रहना चाहिए, ठीक? उसके बाद वेरिएबल्स यानी कि चर, ठीक है? अननोन वैल्यू यानी कि ए से लेकर जेड तक रहना चाहिए, ठीक? उसके बाद कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट यानी कि अचर। देखिए, सी से कांस्टेंट और सी से काउंटिंग, ठीक है? 1, 2, 3, 4 ऐसे एंड सो ऑन इनफिनिट तक ऐसे। तो ये सब मिलेगा ना तभी बनेगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक? ऐसे कोई दिक्कत? ये सब मिलेगा तभी क्या बनेगा? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक? तो अब आप बोलोगे प्लस माइनस तो है, इसमें प्लस तो है, ठीक? ए बी सी डी भी है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, वो भी है। देखिए, एक छुपा हुआ है, शुरू में कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है, ठीक है? अच्छा बताइए, ये है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि अल्जेब्रा? नहीं, ये नहीं है, ठीक है? ये क्यों नहीं है, ठीक है? अभी मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, संक्षिप्त में। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, इसमें ये तो है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है? और ये तो है, ये है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब काउंटिंग में ही ना आएगा, गिनती में ही ना आएगा 7, ठीक है? वेरिएबल नहीं है, इसलिए अल्जेब्रा नहीं है, ठीक? अगर मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे करके, मैंने ये वाई लिखा, ठीक है? ये अल्जेब्रा है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे माइनस है, वेरिएबल्स भी है। देखिए, ऐसे लेके जब तक में ही ना वाई आता है, ठीक है? फिर कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट क्या है? बोलेंगे 1, 2, 3, 4 था, नहीं है ना, एक छुपा हुआ, ठीक है? देखिए, आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, बात तो बराबर है ना, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, और इसको दोनों को गुना करेंगे, एक को गुना करेंगे वाई से, वाई को गुना करेंगे वाई से, तो वही ना होगा, बात समझे ना? ऐसे फिर भी अगर दिक्कत होगा ना तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये टेलर था, ये यहाँ पर लिखेंगे गिवन, ठीक? गिवन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मैंने तो लिख देंगे, ठीक? यहाँ पे ये वाला लाइन उतार देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज इतना, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे गिवन में द, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ये लाइन, ठीक है? ये लाइन देखिए, जब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना तो एक दो लाइन बड़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, शॉर्टकट में एक्सप्रेशन, ठीक, इज इतना x raised to the power 5 यानी कि x का पावर 5 प्लस x raised to the power 3 यानी कि x over 3 प्लस x, ठीक? ये मैंने करा, ये इतना मैंने कहाँ से कॉपी किया है, नकल किया, क्वेश्चन से, इतना घसरा नहीं है, ठीक है? ये मैंने उतार दिया, जैसा क्वेश्चन में करा था ना वैसा मैंने क्या किया, उतार दिया, ठीक बात? अच्छा,
अब यहाँ पे देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, देखिए टू एक्सप्रेशन ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन तो यानी कि दो चीज़ को गुना करते हैं तो ये आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, ठीक है गुना होता है प्रोडक्ट मतलब गुना, गुना मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल है दैट मीन्स गुना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन तो फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट आप ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, ऐसे करके फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है, उसी को फर्स्ट ही कौन बोलते हैं वन एक्सप्रेशन ठीक बात, कुछ भी लिखेंगे चलेगा ठीक है, मैं ऐसे लिखा मेरा मर्जी। फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रोडक्ट है यहाँ पे गुना लगा देंगे, प्रोडक्ट है ना यहाँ पे गुना, ये सब ऐसे करके सब घसरा नहीं है, नीट एंड क्लीन बनाना है साफ सुथरा ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन ठीक है, इज है बराबर दे देंगे, ये उतार देंगे ठीक, ये ऐसे करके उतार देंगे ठीक है। अब देखिए मैं बोला ना अभी कुछ देर पहले, ये आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने कलम रखा तो देंगे फालतू में नहीं देना ठीक है। ये देखिए ये लें मैं नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन ठीक है, वन एक्सप्रेशन इंटू अदर एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन लिखिए, देखिए यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन लिखिए ठीक है, या अदर लिखिए ठीक है, या सेकेंड ऐसे लिखिए, जो भी मन होता लिखिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होगा मालूम है ठीक है, अदर बोल रहा है ना, अदर एक्सप्रेशन लिखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन इंटू अदर एक्सप्रेशन, तो कोई दिक्कत नहीं लिख दिए तो ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अदर भी लिख सकता हूँ, अदर OTHER अदर, ज़्यादा अच्छा होगा ये क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तब यहाँ पे लिख देंगे वन, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अब है ना यहाँ पे मैं अच्छा से बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हैं वन एक्सप्रेशन पूरा लिख दीजिएगा इनटू अदर एक्सप्रेशन बराबर ही उतार दीजिएगा ऐसे, यानी कि दो को गुना करेंगे तो रिजल्ट यानी कि बराबर परिणाम नतीजा ये आता है ना, इसलिए ऐसे करके ठीक। चलिए बाकी मार्क्स से मिलेगा, टेंशन नहीं है ठीक है। अब देखिए ये बराबर है, ये यह हो गया, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं इससे कोई बात नहीं है ठीक। अब क्या कहता है, दो चीज़ों को गुना करेंगे तो इतना आएगा, इसको आप इससे कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, देखिए अब कहते हैं दो चीज़ों को गुना करेंगे तो 15 आएगा ठीक है, एक नंबर 3 है तो दूसरा क्या होगा, वही ना सवाल है, इस अलजेब्रा शब्द के कन्फ्यूज कर दिया है, यानी कि दो संख्या को गुना करेंगे तो 15 आता है, उसमें से एक 3 है तो दूसरा क्या होगा, इसका निकालना है, इसका निकालने के लिए डिब्बा देंगे, 15 ऊपर में देंगे 3 नीचे में देंगे, ऐसे करके काटेंगे है ना, तो वही सवाल ना है पास में ना, दो संख्या को गुना करेंगे, दो नंबर को गुना करेंगे तो 15 आएगा, एक 3 है तो दूसरा नंबर याद करें तो कैसे होगा, तो 15 है तो एक 3 है, फर्स्ट नंबर 3 है, सेकेंड नंबर गैप है तो वार दे देंगे, तो उसी का यहाँ पे निकालना है, तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इक्वेशन की तरह ठीक है, ऐसे करके तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे करके करते ना, सेम डिटो वही सवाल है, तो अलजेब्रा शब्द के ना एक्स शब्द के कन्फ्यूज कर दिया ठीक, कंसेप्ट यही लागू होगा, अप्लाई होगा ठीक है। चलिए यहाँ तक दिक्कत, देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन वही हुआ वन एक्सप्रेशन ठीक है, तो वन ऑफ द इतना ये दे दिया है ठीक है, तो यहाँ पे उतार देंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये उतार देंगे ठीक बात। अब देखिए इनटू अब अदर एक्सप्रेशन को अदर एक्सप्रेशन लिखेंगे या सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपको नहीं लगता है लेंथी हो जाएगा, फिर आप ऊपर में आप लिख भी सकते हैं लेट द अदर एक्सप्रेशन बी वाई, कुछ भी मान सकते हैं एक्स को छोड़ के, पूछिए एक्स को क्यों छोड़ के, क्योंकि एक्स तो है ना तो क्यों मानोगे फालतू में, एक्स तो ऑलरेडी है ना तो क्यों मानेंगे, ऐसे लेके जाए तक एक्स को छोड़ के बात करेंगे, क्योंकि देखिए एक्स एक्स है ना पूरा, क्यों एक्स मानेंगे ठीक है, उसके अलावा आप कुछ मान लेंगे ठीक है, ओ मान सकते हैं, वाई मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं ठीक है, बात समझे नहीं समझे। चलिए तो सेकेंड एक्सप्रेशन है ना अदर एक्सप्रेशन है, तो अब यहाँ पे अदर है ना तो आप ओ लेट कर सकते हो, चलिए ए लेट कर सकते हो, आपका मर्जी है, तो मैं यहाँ पे क्या लेट करता हूँ सेकेंड में ऐसे सेकेंड होगा, लेकिन हमें इसके साथ चलना है क्वेश्चन के साथ, हालांकि बात बराबर है, तो मैं ओ ले लेता हूँ ठीक है, यहाँ पे मैंने ओ ले लिया, तो ओ क्या रिप्रेजेंट कर देगा, अदर को यानी कि अदर नंबर ओ ठीक। अब आप ऐसे ले लेना सेकेंड ठीक है, कोई स्टूडेंट होगा
ए ले लेगा, कोई वाई ले लेगा, कोई वाट लिख देगा, ठीक है, कोई कोई यही का यही लिख देगा सेकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई ऐसे करके लिख देगा, कोई वर्ड्स में लिख देगा, ठीक बात है ना, कोई अदर अदर का अदर लिख देगा, जिसको जो मनेगा लिखेगा, ठीक ठीक है। मुद्दा ये है कि ये निकालना है वो, ठीक बात, अच्छा बराबर दे देंगे, ये उतार देंगे, अब ये हटा देते, अब समझ गए ना कंसेप्ट, इसको उतार देंगे, इसको उतार देंगे, क्लियर, ब्रैकेट में ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात। अब देखिए मैंने अभी बताया था ना 15 का एग्जांपल, देखिए अब ये जो है, ये जो है तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे, ये ऐसा है ना, अभी तो मैंने बताया है, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालते तो ऊपर ये नीचे जाता है ना, तो अब देखिए यहाँ से अगर ओ का वैल्यू निकालेंगे, वही अदर नंबर सेकेंड नंबर, ये कहाँ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक बात, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक बात, ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्लियर यहाँ तक, यहाँ पर क्लियर। अब देखिए अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पर उतारूँगा, ठीक है, यहाँ पे उतार देता हूँ वो बराबर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नीचे नहीं है ना, अच्छा एक लाइन में बना देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन बता देता हूँ, तब उसमें बता दूँगा, ठीक है। अब देखिए लकीर खींच दिया, अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में एक्स कॉमन है, ठीक है, आपको कॉमन निकालना आना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, पता होने का तो बहुत सारा चीज़ पता होना चाहिए, लेकिन कम से कम बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हमें नहीं आता बता दीजिए तो मैं कॉमन भी बता दूँगा, उसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बता रखा हूँ, आप 7-8 के प्ले लिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सवाल मैं इस टाइप का बताता हूँ ना तो कॉमन लेना मैं बता रखा हूँ, ठीक है, टेंशन लेने में, ठीक है। मतलब तीनों में क्या मिलेगा, देखिए तीनों में क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से बता ही देता हूँ, देखिए ये मैं यहाँ पर उतार दिया, ठीक है, एक्स 5 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक्स 3 बार, एक ही चीज़ को बार बार बताएंगे ना तो आपको तो मजा आएगा, क्योंकि आपको मान लीजिए नहीं आता है, जो मेरे वियर हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बोलेंगे सर एक ही चीज़ को बार बार बताते हैं, ठीक है, एक्स है तो एक्स है, गुना एक दे देंगे, गुना तो सब जगह है ना एक में, ठीक है, मेरा मर्जी, तो सब में क्या मिल रहा है, देखिए इसी को बोलते कॉमन फैक्टर, यानी कि SCF निकालना, सार गुणा कर उभय निष्ठ, सब में क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो एक्स हो गया, इसलिए मैंने क्या दिया, एक्स दे दिया, सिंपल है। अच्छा अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, अब यहाँ पर क्या देंगे कि ये आएगा, ठीक है, तो उसका भी ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा 20, ठीक है, 20 लिखा, अच्छा लिख लिया, ठीक है, अब मान लीजिए 20 लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा कि 20 आएगा, तो इसका भी ठीक है, इसको ऊपर दे देंगे, इस 4 को नीचे दे देंगे, इसको ऊपर न्यूमिनेटर यानी कि अंश में, इसको डिनोमिनेटर यानी कि नीचे, तो काटेंगे तो 5 आएगा, देखिए 5 आएगा ना, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए ये लाना है ना आपको, ये ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देंगे, ये वाला आ जाएगा, फिर वही चीज़, इसको क्या करेंगे, इसको क्या ऊपर देंगे, यानी कि इसको ऊपर दे देंगे न्यूमिनेटर में अंश में, इसको क्या कर देंगे नीचे दे देंगे, काट भी सकते हैं 5 से क्या तो 4, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भागा है, ठीक है, ऐसे करके 2x है तो 1x, भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुड़ता है, ठीक है, तो इसको ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये वाला लगाएंगे ना, ठीक है, 2a है तो 1a घटा देंगे, क्योंकि इसको बेस आधार सेम है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x हो जाएगा, 5 में से क्या तो 4 नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे करके कैंसिल भी कर सकते हैं, करके कट गया 5 में से क्या तो 4, ठीक है, मुद्दा ये एक्स का पावर 4, फिर दोनों का गुना करेंगे, देखिए x 4x तो 5, ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर, तो x 1x भाग है ना, तो पावर घटेगा, बेस आधार हुआ नहीं ये 5 में से क्या तो 4, यहाँ पे क्या दे सकते हैं x का पावर 4, अब मैं कैसे समझूंगा कि मेरा सवाल सही है, देखिए तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पे गुना है, प्लस प्लस प्लस, ठीक, तो x को x से गुना किए तो x और 1 और 4 पावर जुड़ जाएगा, तो x का पावर 5, यार की दोनों को गुना करेंगे ये आएगा, अब आप सेम कर लीजिएगा, फिर इसको ऊपर इसको नीचा, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा, ठीक, सेम टू सेम करेंगे इस टाइप का, फिर ये ऊपर जाएगा नीचे, इधर कट गया जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा नीचे में एज इट इज सेम टू सेम उतार देंगे, ब्रैकेट लेना, ब्रैकेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा अब देखा, अब देखते हैं इसमें, अब देखिए वो यहाँ है ना, तो यहाँ भी वो है, तो सब जगह से करके निकलता जाएगा, मैं सब जगह वो निकलते जाएगा, मैं बार बार क्यों दूंगा, नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो किया, अब एक हमें बात बताइए, ये तो गया ना, चलिए अब मैं यहाँ पे याद दे दूंगा और दे दूंगा, इसको मैं ऐसे करके उतार दूंगा, अच्छा मैं यहाँ पे पहले उतार देता हूँ, प्लस एक्स प्लस 1, ठीक बात, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर है यानी कि पावर यानी कि एक्सपोनेंट यानी कि घात यानी कि इंडेक्स, नीचे मैंने उतार देंगे। अब देखिए
यहाँ से क्या करेंगे आगे, बराबर दे देंगे या है ये, ठीक है, बराबर तो ये नहीं होता, ऐसे दे देंगे 3000 का, ठीक। अब देखिए उसको उतार देंगे, अब इसको ऐसे करके लिखेंगे तो ब्रैकेट आप चेंज भी कर सकते हैं। देखो मैं ब्रैकेट क्यों चेंज करूँगा, देखिए ये लिखेंगे तो अल्टा लग रहा है, देखेंगे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ब्रैकेट चेंज करूँगा, उसके लिए कोई बहस नहीं है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट दे दो, ये ब्रैकेट दे दो, मुद्दा सिर्फ ये देखिए, ये मैं अभी लिखूँगा ना तो फिर मैं ऐसे करके लिखूँगा, थोड़ा सा अल्टा लग रहा है देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा लाइफ में चेंज मांगता है, ठीक है, ऐसे समझिए, लाइफ में चेंज मांगता है, ऐसे समझिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए दो दुना चार आ गया ना, मैंने पहले बोला वैसे कहना चाहिए दो इंटू दो, तो चार नहीं हो गया, ठीक है। इसका भी जुगाड़ है, इसका भी जुगाड़ है, आपको नहीं पता रहेगा ना, ऐसे है आपको ये वाला लाना है तो आपको नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो क्या लाना है, स्क्वायर लाना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, इसका पावर फोर, चार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ठीक है। यहाँ पर दो छुपा हुआ है क्योंकि स्क्वायर रूट में वर्गमूल में दो छुपा रहा, दो एक्स है तो एक एक्स, फिर दो एक्स है तो एक एक्स, एक एक टैक्स का पावर दो हो जाएगा, गुना में पावर दो, टैक्स का पावर दो, देखिए दो दुना चार हुआ, इसका मतलब दुगुना होता है ना, क्योंकि इसका भी होता है रूल, ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट है, ठीक है, ऐसे करके तो दो दुना चार, ठीक है। मुद्दा ये है इसको तोड़ेंगे तो ऊपर कहेगा, ठीक बात। फिर अब इसको जो है ना, इसको देखिए अब यहाँ पर एक फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं फार्मूला एक अप्लाई कर सकता हूँ, पूछे कौन सा, ये वाला, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक बात। इसका क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। देखिए आपको घसरा नहीं है समझाने के लिए, ये देखिए ये इसको मेरे थंब पे ध्यान दीजिए, अंगूठा पे, देखिए यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर, देखिए ये a a a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस तो देखिए प्लस 2 यहाँ पे 2 इंटू तो इंटू a एक जगह पर, तो फिर यही बोला ना ए ए, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू तो यहाँ पे इंटू, ठीक है। बी तो बी का जगह पर क्या, बी का जगह पर देखिए बी एस का लास्ट में एक है, एक का वर्ग में तो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत चल गया, फिर यहाँ पे बी, ठीक है, स्क्वायर, ठीक, बंद कर देंगे को, देखिए ये इसलिए चेंज हो गया ना तो अच्छा लग रहा है देखने में, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अब ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, पूछे क्यों रॉन्ग हो गया, देखिए इसको तोड़ के तो ये आया, लेकिन इसको तोड़ के बीच का कहाँ आया, दो एक्स स्क्वायर एक को गुना करेंगे तो दो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर है, ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा कैच है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दूँगा, ठीक है। अब मेरा सवाल सही हो गया, अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर दिए, ठीक है। तो देखिए है थोड़ा सा पेचीदा सवाल, अच्छा है, देखिए अब यहाँ पर कंसेप्ट समझिए, यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स का मतलब होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, क्या होता है, कुछ भी करे फर्क ना पड़े। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैसा दिमाग के साथ, मतलब दिमाग कैसे यूज किया मैंने, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे आपको ये ना लाना है जी, ये ना लाना है, ये ना लाना है, तो देखिए ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको टू एक्स स्क्वायर एक को गुना करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बात समझ ना, यहाँ तो समझे ना, अब प्लस एक को दो बार लिखेंगे, देख तो कहने का मतलब है ये अभी इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे उतारा, इसको यहाँ पे उतारा, इसको उतारा, तो इसको तोड़ के ऊपर के कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, देखिए इसको तोड़ के ये तो आ गया, ठीक है, ये तो आ गया, देखिए ये कहाँ आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को घटा दिया, अब एक्स स्क्वायर को घटा दिया, मान लीजिए देखिए 12 है, आपने ऐसे करके किया, ठीक है, कोई बचा गया उसमें से एक ऐसे कर दिया, तो फर्क तो नहीं पड़ा, आपका तो सवाल सही है, गलती तो नहीं ना आपका सवाल तो सही हो गया, बस है ना। फिर देखिए 5 है, आपने 2+3 बनाया, ठीक है, मैं आके क्या किया, 0 दे दिया, तो फर्क तो नहीं पड़ा। तो आप देखिए इसको जो मैं तोड़ूंगा तो यही आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 में से यहाँ पे 1 गया, ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन है, 2 का चिन्ह, तो जोर, बात समझ ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, बात समझे ना, यानी कि देखिए 2x² + x² घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से गया तो x², ठीक है। आप बोलेंगे आपने मतलब प्लस 1 तो दिया नहीं, छुपा हुआ ना, क्यों देंगे, मेरा मर्जी नहीं देंगे, छुपा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक छुपा हुआ है ना, नहीं देंगे, मेरा मर्जी नहीं देंगे। आप देखिए ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात हो गया बराबर, वैसे ये नहीं देंगे प्लस 1, छुपा रहता है सब जगह, देखो वाई है यहाँ भी प्लस 1 छुपा हुआ है, तो ऐसे लिखिए एक ही बात है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो गुना एक को गुना करेंगे वाई से या वाई को गुना करेंगे तो वही ना हुआ, ऐसे बात समझे कि नहीं समझे, तो ऐसे क्लियर, यानी कि घसना नहीं, समझाने के यानी कि ए स्क्वायर घसना नहीं है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर, हमें इसको तोड़ के
हंसना नहीं है, फाड़िए नहीं देना घस के, ना मार्क्स भी नहीं मिलेगा भाई आपको, फील देने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए, ठीक है, हाईलाइट करो, इसे छेड़छाड़ करो। तो देखिए तो ये तो हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, तो और ये टू ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको इसको तोड़ के ये आ गया, इसको तोड़ के ये कहाँ आया, नहीं आया टू एक्स स्क्वायर, लेकिन है तो एक्स स्क्वायर, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया यहाँ पे, माइनस कर दिया एक्स स्क्वायर से, ठीक पास हो गया ना। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, अब यहाँ पे देखिए टू, देखिए टू ए भी है ना, तो टू ए एक जगह पर ये पूरा है थम, यानी कि इसको स्क्वायर पर ए है, तो टू ए बी, बी के जगह पर आप कन्फ्यूज करिएगा ना, तो बी के जगह पर आप कन्फ्यूज करिएगा ना, तो अब आपका इसका भी एक चॉइस है, ठीक है, बी के जगह पर आप कभी भी आप कन्फ्यूज करें कि यहाँ पे क्या देंगे, ठीक है, तो अब क्या करना, अब क्या करना, इसको इसको क्या कर देना, ऊपर कर देना, इसको ऊपर कर देना, यहाँ पे एक सेकेंड बेटा सेकेंड, ठीक है, इसको जो है ना इसको क्या कर देना, मतलब देखिए टू ए बी इसके जगह पर क्या देंगे, देखिए इसके जगह पर क्या देंगे, ठीक है, कि ये आ जाएगा, ठीक। तो देखिए टू ए बी, तो अब बी पे कन्फ्यूज करेंगे बी कहाँ से आएगा, तो आप यहाँ से कॉपी करना सबसे लास्ट से, देखिए देखिए ये वाला ऐसे, ये वाला ए मिला ना, ये वाला बी से तो लास्ट का भी है ना, बी का स्क्वायर है, तो अब बताइए यहाँ पे एक है, एक है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसा क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं ऐसा क्या रखूँगा कि इसका स्क्वायर होगा, तो एक का स्क्वायर तो क्यों होता है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर में हटा दिया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, एक हुआ बी स्क्वायर यहाँ पर है, बी है यहाँ पर, उसी तरह एक है, एक का स्क्वायर यहाँ होगा ना, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे एक देंगे ना, तब ना हुआ टू ए बी, तब ना बी स्क्वायर, बी अकेला है ना, देखिए यहाँ पे पावर एक है, यहाँ पर पावर एक का पावर एक है ऐसे, और तो इसको तोड़ के ये नहीं आया, इसलिए मैं ज़बरदस्ती मैंने एक्स स्क्वायर किया, ठीक है, हो गया मेरा काम बन गया, क्योंकि क्योंकि ये था, लेकिन हमें तो लाना है ये वाला, पिछला ये वाला नहीं आया, तो मैंने ये कर दिया, अब यहाँ पे प्लस वाला समान तो मैं से एक गया, तो एक एक्स स्क्वायर, ठीक है, चिरबाई से क्या करता प्लस, यानी कि इसको तोड़ किया गया, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में ये ऐड किया। हाँ समझे होंगे बात को, फिर भी नहीं समझे टेंशन लेना है, कमेंट करना है, ठीक है, नीचे के एज इट इज उतार देंगे, सेम टू सेम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है, बात थोड़ा सा मेसी हो गया, ठीक है, थोड़ा सा घसा वसा गया, मैंने पहले बोला ना घसरा वसरा नहीं है, फील देने के लिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए एक्स हो गया इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया यहाँ तक हो गया, अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी, टू ए बी मतलब इसको गुना कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, देखिए ऐसे लिखिए एक ही बात है, या कुछ लिख भी नहीं किए, फिर भी लिख भी नहीं कीजिए, फिर भी गुने हैं, ठीक है, टू ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर जो एक्स्ट्रा में ऐड किया, तो मैं सेट कर दूंगा, मेरा मर्जी किनारा कर दूंगा, फिर भी तो इसको तोड़ के तो ये नहीं आएगा, इसको तोड़ के तो ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार देंगे नीचे से, नीचे में नहीं छेड़छाड़ करना, वो वही का वजह हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे देखिए फिर लकीर खींचेंगे एक्स या तो एक्स इंटू, अब देखिए फिर ये ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट दे सकते हैं, अब देखिए इतना का समझाने के, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, इसको ढक दीजिए, घूमने के लिए भेज दीजिए, चलो घूम के आओ, ठीक है, तुमको हम क्यों बुलाए थे, क्योंकि क्योंकि तुम हमको इसके साथ, तुम इसके साथ मिलके, दोनों मिलके हमें ये ला दो, कौन ला दो, ये मेहमान को क्यों बुलाए हैं, इनको क्यों माना बुलाए मेहमान को, क्योंकि इसके साथ मतलब ये वाला इसके साथ मिलके, ये दोनों ये और ये मिलके हमको ये दे दे, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बोल रहा है कि मेरा काम नहीं है, तो हम बोले नहीं आपका काम है, लेकिन अभी आप घूम के आइए, अभी टाइम है, अभी घूम के आइए, ठीक है, बाद में आपका काम, आपसे काम लेंगे हम, ठीक है, तो ये हो गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, थंब पे ध्यान दीजिए अंगूठा पर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए तो अंगूठा पर एक्स स्क्वायर है ना, तो ए प्लस टू ए बी, तो बी यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, एक ही बात है, बी का होल स्क्वायर हुआ ना, ए ए है ये, स्क्वायर नहीं पढ़ दीजिएगा, स्क्वायर तो ये ना है, ए का जगह पर एक्स, ये पूरा ना है, तो पूरा ही ना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन गया था घूमने के लिए, मेहमान को ज़्यादा नहीं घूमने देंगे, ठीक है, खातिरदारी करेंगे, बोलेंगे आइए आप इसको बुला दीजिए, ठीक है, बात नीचे से मैं तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे में उतार देना है, ठीक है, नीचे में क्या करना है, उतार देना है, यहाँ तो कोई दिक्कत, नीचे में उतार देना है, यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देखिए इसको देखिए आपको कुछ याद आ रहा है, ये तो क्या ना, इसको देखिए आपको कुछ याद आ रहा है, देखिए ये पूरा को आप ए मानेंगे, ए थम पे ध्यान अंगूठा पर, ये घस रहे हैं, अब आपको नहीं घसना है, ये पूरा ए हो गया, जहाँ पे मैंने घसा नहीं कवर किया ना, पूरा ए हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, सही बात है, ये ए हुआ ना, देखिए ए हुआ, मैं ढक्कन रख रहा हूँ, देखिए ये ए हुआ, ये ढक्कन ए के जगह पर ए, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर, ठीक है, फाड़िए नहीं देना है, स्क्वायर ढक्कन 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 स्क्वायर, यानी कि ढक्कन यानी कि क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक बात। अच्छा अब यहाँ पे एक्स, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए का जगह पड़ती है पूरा है ना, तो ये ए ए प्लस बी, बी है ना, बी स्क्वायर, तो बी हुआ ना ये, तो बी, ठीक बात, ए प्लस बी, ठीक। चलिए अब ब्रैकेट चेंज भी कर सकते हैं, ये ऐसे करके चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे करके अब यहाँ पे ये दे देंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि फिर ये वाला देंगे, ये वाला खराब लगेगा, इसलिए बदलती है, तो ब्रैकेट सबसे बहस नहीं है, हल एक ही है, इधर मैंने ऐसा दिया है, ठीक है, इधर भी मैं ऐसा दूंगा, तो ए प्लस बी इंटू, ठीक है, ए माइनस बी, तो फिर एक जगह पर वही है, वही ये ढक्कन, ये ए है ना ढक्कन, ए यहाँ पर देखिए ए, फिर दो बार ये, फिर ए माइनस बी है ना, तो फिर ये ए यहाँ पर उतरेगा, ठीक है, ढक्कन वाला यहाँ पर उतरेगा, ए ए माइनस बी, ठीक है, ये बराबर है कि नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देंगे तो दे दीजिए आपको मर्जी, ठीक है, फालतू में क्यों देगा, एक तो ये तो दे भी क्या ना, ठीक है, जो मना तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको इसको मैं हटा रहा हूँ, फालतू में ब्रैकेट दो दो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, यहाँ पे मैं इसको हटा के देता हूँ, यहाँ से देखिए वो भी ठीक है, था थोड़ा अजीब लग रहा था देखने में, ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ए ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, अब ये ऐसे करके दे भी सकते हैं, मैंने हटा दिया, नहीं अच्छा लगता था इसलिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। अच्छा अब फिर देखिए, फिर यहाँ पे ये हो गया यहाँ पर, अच्छा फिर यहाँ पे लकीर खींचेंगे, फिर ये यहाँ पे, अब देखिए अब ये वाला झिल्ली वाला को हटा देंगे, झिल्ली नहीं नाम है, नाम है मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, या मझली कोष्ठ, ठीक है, या धनु कोष्ठ, इसको मैं ऐसे करके कोश में हटा दिया, मेरा मर्जी, ये इनटू, ठीक है, फिर ये वाला उतार दिया, ये भी कोश लग सकता है, देखिए 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 नीचे में छोटी कोश है ना, तो छोटी कोश में मैं बदल दिया, मेरा मर्जी, तो इस सब के लिए कोई बहस नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, नीचे में उतार दिया, मैंने कंसेप्ट समझना, कोश के लिए मारा मारी नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये हो गया ये। अच्छा अब देखिए ये और ये एक जैसा है कि नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस एक है, दोनों सेम मिल रहा है, आप चाहो तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, आप ऐसे करके देखिए आप एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, इसको एक लाइन ऐसे करके बढ़ा भी सकते हैं, नीचे वाला जैसा इसको भी कर दिया, उल्टा अपना कर सकते हैं ना, ठीक है, कर गया ना, क्योंकि सब गुना गुना है ना, तो इसलिए, ठीक है, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कर दिया, कट गया ना, क्यों कटा, देखिए इंटू है, इंटू कर गया, लाल पेन अलग वाला पेन से नहीं काटना है, मैं आपको फील देने के लिए ऐसा किया, ठीक है, हो गया फिनिश, ये बचा पावर दो है, उसके बाद एक वाला दे दीजिए पावर, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक, उसके बाद जीरो वाला, अब आप बोलोगे यहाँ तो समझ गए सर, दो है एक है तो जीरो का है, तो देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कॉन्सेप्ट, पर है तो थोड़ा सा मैथ मात्र माथा माथा लगाएंगे तब ना, देखिए एक्सेस का इसको ऐसे करके नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत, देखिए देखिए दो है घट रहा है ना, डिसेंडिंग हो रहा है ना, अवरोही हो रहा है ना, दो एक तो जीरो, ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा, देखिए सर ये तो तोड़े तो ये आ गया, ये तो तोड़े तो आएगा, इसको तोड़ के ये कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए देखिए ऐसे करके है ना, देखिए एक लाना है ना, तो एक क्यों ना हुआ ये कैसे, देखिए एक अब दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना एक्स डिग्री तो एक नहीं होगा, क्योंकि किसी के ए डिग्री बराबर वन नहीं होता, किसी के ऊपर में जीरो तो एक ही ना होता है, तो एक्स डिग्री तो एक ही ना हुआ, तो एक एक तो एक ही हुआ ना, एक्स से क्यों देखिए क्या क्या एक्स वाला सवाल है, आराम से, इसलिए दो एक यहाँ पे जीरो नहीं भी देंगे तो चलेगा,
और यहाँ पर इनटू है, इनटू गुना है। देखिए अब देखिए अब ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात हो गया बराबर, ठीक हो गया ये आंसर। क्या हो गया ये आंसर हो गया ये क्लियर? कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, एक बार देख लीजिए। पहले ये उतारना है, फिर सेकेंड पहले क्या करना है, पहले हाँ पहले ये वाला पार्ट हो गया एकदम अच्छा से, ठीक है, उसके बाद ये पार्ट हो गया, ठीक ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, उसके बाद ये पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए पहले ये उतारना है, फर्स्ट में ये उतारना है, ठीक बात। चलिए ये वाला पूरा हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा ये वाला, ठीक। उसके बाद ये उतारना है, ठीक। उसके बाद सेकेंड में ये उतारना है, सेकेंड में ये उतारना है, मतलब उसके इसके इसी के नीचे ये वाला उतारना है, क्लियर। एंड द लास्ट थर्ड में ये वाला उतारना है, आंसर फिनिश।